प्रणाम कीजिए गोरा जी के लाडले का नाम लीजिए। तो आइएगा दोनों हाथ उठाएं सीधे, बिल्कुल सीधे, और ताली बजा के रेडी 1 2 3 4। पुतला बनाया घोरा महल उतार के, पुतला बनाया घोरा महल उतार के, किया सर जीव घोरा भोला जी को ध्याय के, किया सर जीव घोरा भोला जी को ध्याय के। ये उस समय की बात है जब घोरा मैया को स्नान करने जाना था, तो पूरी कैलाश में कोई नहीं था और भोले बाबा भी बाहर गमन करने गए हुए थे। तब घोरा मैया ने कहा कि मेरे दरवाजे पे रखवाली कौन करेगा, क्योंकि मेरा तो कोई पुत्र भी नहीं है। तो उस समय घोरा मैया ने अपनी मैल उतार करके और भोले बाबा का ध्यान करके एक पुतला बनाया और पुतले में जान भर दी। और जब उस जीव में जान भरी तो उसको कहा कि पुत्र तुम यही खड़े रहना, किसी को अंदर मत आने देना। तो क्या लिखा है इस कविता में, इस भजन में, बड़ा ही आनंद है, ध्यान से सुनिए। ताली बजा करके सभी साथ दो प्रेम से कहो, पुतला बनाया गोरा महल उतार के, पुतला बनाया गोरा महल उतार के, किया सर जीव गोरा भोला जी को ध्याय के, किया सर जीव गोरा भोला जी को ध्याय के। करना स्नान है तू ही गिरबान है, करना स्नान है तू ही गिरबान है, अंदर ना आए कोई यही ध्यान दीजिए, गोरा जी के लाडले का नाम लीजिए। सुंदर फूलों के गले हार प्रणाम कीजिए, गोरा जी के लाडले का नाम लीजिए। बाबा आए तो उन्होंने देखा कि ये सामने कौन खड़ा है, और वो पुत्र ही भोले बाबा को अंदर नहीं आने दे रहा था।
अब सोचो आपका घर हो, आपके घर के बाहर पहरेदार हो और आपको ही अंदर ना जाने दिया जाए। फिर तो भोले बाबा सोचने लगे, अरे ये कौन है, मुझे ही मेरे घर में आने से मना कर रहा है। तो भोले बाबा ने ध्यान लगाया, भोला भंडारी आया दूर से 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 ध्यान लगाया। कौन है ये नन्ना बालक, किस कारण चल के आया, कौन है ये नन्ना बालक, किस कारण चल के आया। तो भोले बाबा से चर्चा करने लगा, कहने लगा जोगी तुम कौन हो। कहने लगे पहले तो तू बता तू कौन है। कहने लगा मैं तो अपनी माता का पुत्र हूं। कहने लगे अच्छा तेरी माता कौन है। कह रहे अंदर गई है स्नान करने के लिए। कहने लगे चलो ठीक है, तो उनको बोलो भोले बाबा आए हैं। तो कहने लगे तुम अभी तब तक नहीं जा सकते जब तक माता स्नान करके ना आ जाए। कह दो राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोल दो राधे। भोला भंडारी आया दूर से ध्यान लगाया, भोला भंडारी आया दूर से ध्यान लगाया। कौन है ये नन्ना बालक, किस कारण चल के आया, कौन है ये नन्ना बालक, किस कारण चल के आया। अंदर ना जाना जोगी माता नगन होगी, अंदर ना जाना जोगी माता नगन होगी। माता मेरी को यश दान कर दीजिए, गोरा जी के लाडले का दान दीजिए। सुंदर फूलों के गले हार प्रणाम कीजिए, गोरा जी के लाडले का नाम लीजिए। सुंदर फूलों के गले हार प्रणाम कीजिए, गोरा जी के लाडले का नाम लीजिए। हो बाबा को जब क्रोध आया तो भोले बाबा ने अपने त्रिशूल से उस बच्चे की गर्दन अलग कर दी। तो गोरा मैया स्नान करके आई तो अपने बच्चे को देख करके रोने लग गई। आई गोरा महारानी आंखों में आया पानी, 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 आई गोरा महारानी आंखों में आया पानी। मेरे बालक को बोला सर जीव कीजिए, सुंदर फूलों के गले हार प्रणाम कीजिए, गौरा जी के लाडले का नाम लीजिए। सुंदर फूलों के गले हार प्रणाम कीजिए, गौरा जी के लाडले का नाम लीजिए। तो भोले बाबा ने कह दिया, अपने दूतों को भेजा, हाँ जी राधे राधे, एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। देखो दो तीन घंटे का समय है, थोड़ा बहुत मौका मिला है भजन करने का, इसको बातों में व्यर्थ मत करो। कीर्तन के बाद हम आपके साथ बैठ के खुद बातें करेंगे। कह दो राधे राधे, श्री राधे। तो भोले बाबा ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ, जो माँ अपने बच्चे की पीठ करके बैठी हो उस बच्चे का सर लेके आ जाओ। तो आपने देखा होगा कोई भी बच्चा होता है माँ उसकी तरफ पीठ करके कभी नहीं सोती। तो जंगल में गए, एक हथनी बच्चे की पीठ करके बैठी थी, भोले बाबा के दूत उस बच्चे का धड़ से अलग करके ले आए।
तो वही पुत्र के सर पर लगाया और भोले बाबा ने वरदान दिया कि आज तुम्हारा नाम गजानंद पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा? गजानंद। और कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो सर्वप्रथम तुम्हारे पुत्र को मनाएंगे। अगर जो कोई गणेश को नहीं मनाता तो उसका कार्य सिद्ध नहीं होता। कोई भी शादी विवाह कुछ भी उत्सव हो तो सर्वप्रथम गणेश महाराज जी की आराधना करी जाती है। तो आप ही दोनों हाथ उठाओ, सीधे बिल्कुल सीधे हाथ तो उठाओ, मेरे लिए थोड़ा ना उठा रहे हो, बिल्कुल सीधे और मिलकर के प्रार्थना करो। और कैसे? ओ गोरा जी के लाडले का नाम लीजिए, 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 गोरा जी के लाडले का नाम लीजिए। बोलो गणपति महाराज की।